इंसान ने जीता जी का कियो, धन पर ध्यान, सिर्फ धन पर ध्यान दियो। पवित्र तन निर्मल मन यह भी तो तुम्हारो है को। धन को कहा है आज तुम्हारो है वो, कल किसी और को, परसों किसी और को, तो बोलो ओ नमो भगवते वासुदेवाय। कोई आयो कि ना आयो, खाता ही रहेगा। अभी तक तो नहीं। फिर मेरी फोटो का देख रहा है, जाके देख जा। आइए 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 ठाकुर जी के दर्शन कीजिए। पूरे शहर में बहुत ही मशहूर हैं। एक बार मौका मिलना चाहिए। मैं तो कहूँ आप दोनों एक दूसरे के पूरे को। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे जी रे आपके आयोजक। हरिओम तत्सत। तत्सत पंडित जी, लेन देन की बात चिंता मत ही करो, अरे झोली भर देंगे तुम्हारी। हाँ अच्छा, इनकी झोली कैसे भरती है? पंडित जी आपको याद है पिछली होली पे धोली प्याऊ पे एक गोली चली थी? आपने चलाई थी? नहीं पंडित जी, जे बालक ने चलाई थी। मरहूम। हमने तो बस आपकी कृपा से आदेश दियो तो। आदेश। और वो चंगी एंड सन्स बिल्कुल छोरा उठायो का है आपने? जे बालक मरहूम। हमने तो बस पंडित जी आदेश दिए तो, हमारे लिए कोई आदेश? पंडित जी एक बाल हट है कि आपकी शुभ वाणी घर घर तक पहुंचे। हाँ क्या बात है, कैसा उत्तम विचार है। ये चाहे कि आपकी कथा का प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष में हो। बताओ, दया तो हमारी हो गई, जिनकी पंडित जी, कहे कि हमें भी अपनी छवि सुधारनी हैगी, चुनाव में खड़ो होनो है। भक्त वोटर बोल रहे हैं, भक्त वोटर चरण दिखाइए। अबे चरण छू, बिजली कट रही है तुम्हारी। ओए अंकल, केबल जोड़ दो नहीं तो खोपड़ी खोल दूंगा। अब वो देखो तार काट रहा हूँ। अच्छा कैसे तार काट रहा तुम, बिजली का तार कैसे काट रहा तुम? अबे सुनाई जरा पहलवान, काहे काट रहे हो? अरे ऐसे न मानेगा, हटा ले सीढ़ी, हटा इनका तार जाम। अरे अब पंडित जी जेका करो। हां चिल्लाने दे से, रख इधर। अरे कटा ना, सीढ़ी जब ही लगेगी जब तू तार जोड़ेगा। चोट लग जाएगी पंडित जी, फाइल लगा दो। ये तो इनको रोज को है पंडित जी, सरकारी काम में भरा डाल रहा है। नहीं चाहिए वो सरकार जो काटे बिजली के तार। राधे राधे। तू मुझे ना हल्के में ले रहा है। आपको कौन हल्के में ले सका पंडित जी, आप तो कलेक्टर के बाप हो। बेटा चिंता मत करे, एक दिन आए कलेक्टर को बाप बना के छोड़ेंगे। बुला की बता देना, धर्म और राजनीति कभी एक ना हो सकती। भैया जी, भैया मेरी बात सुनो। आप चिंता मत करो, मैं आपको एक एक अच्छे बढ़िया पंडित दिलवाऊंगा जिनको कंठस गीता याद है, रामायण याद है। ये तो ऐसी है। अच्छा भैया ऐसे बात ना होनी। अब तू हमें बता दे। चल काल दे जी, जी जिता है रहो। और वो भी निकाल। अब जी जाए रहने, सीधा खड़ा रहे, जाए रहने बेटा। और अब मिले को तो है बाबा जी को। ना ऐसा ना कहते, अरे नारा मत दियो, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। अरे आपको बुला के है ना आपके पास,
बुलाकी तू दोस्त है या दलाल? क्या ये हरिलाल शर्मा, अगर तेने इनकी बात मान ली होती तो हम रोज अपना गला तर कर रहे होते। सच्ची? हाँ मुच्ची। तो आज जो है हम मर्सी के बारे में जानेंगे, द क्वालिटी ऑफ मर्सी। डू यू नो कि ये पोयम किसने लिखी है? ऑल स्टूडेंट्स, क्या हुआ, सब ठीक है? बिजली काट दी। कितने बने हैं? 4676। कितने? 4676। बिल क्यों नहीं जमा किए? चलो मैं सर से बात कर लूंगी, आप ऐसा करो अभी जाओ। जाओ खड़े रहो ऐसे अंधेरे में। तुम किसको कह रहा है? तुमसे ना कह रहे हैं, हम जिनसे कह रहे हैं वो सुन रहे हैं। अरे गरम पानी की थैली दे जा। लाइट कट गई है सुबह से, होश में हो तुम कि तुम अहू उन्हीं की तरह हो? काका बोले काका बोले, कुछ नहीं किए। क्या मांगे थे हम आपसे? हैं? बहुत ज्यादा तो नहीं मांग लिए थे? कहे थे बस भैया इतने भक्त हैं तुम्हारे, हम सब कुछ भक्त बांट लो, थोड़े भक्त दे दे तो कहा हो जाता, प्रवचन तो चल रही होती हमारी ना। देखने तो सबको हमारी शादी होने वाली है। हाँ पर हुई तो नहीं है। वो भी हो जाएगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आराम से चलो फिर, ठीक है। सुनो राधा, एक दिन इन्हीं सीढ़ियों से बाहों में भर के ले जाऊंगा तुम्हें। तुम? हाँ तुम तो बस रहन दो। ठीक है तो कल ही आ रहा हूँ फाइनल करने। आजा अंकल, अभी फाइनल कर लो, हो सकता है पंडित जी संगी वेद दे। जाएगा ना जाएगा यहाँ पे पंडित जी। चल बेटा, बहुत फड़फड़ा रहे दिया, शादी है जान दे तो ये बुझाऊंगा सबसे पहले। बहुत बोलने लगा है आजकल तू वैसे। हाँ आपके इतने करोड़ों भक्त है सदियों से, हमारे भी झोली में डाल दो कुछ। 10-15-20-25 साल कट गई, जय ना हो पा रहा है तुमसे। अच्छा सुन ये ले जा। बेटा तू आ गई तो एक गरम पानी की थैली दे दे। क्यों पापा ने नहीं दी? ना बेटी, गिरदारी की अदालत में तो घनश्याम को मुकदमो चल रहा है। सुन रहे हो तुम, एक ही अपील कर रहे हैं, आश्रम बनवा दो। ठीक है मैं आपको बंगाली डॉक्टर के पास दिखा लाऊंगी। ना बेटी ना, वो बंगाली डॉक्टर मेरी एक भी हड्डी ना छुओगो। क्यों नहीं छुएगा? कह रहे हो तो पहलो पिछलो हिसाब पूरा करो। पैसे ही नहीं दिए, रोज मुझसे मांगते हैं। देख ले पूछ ले। चलो मैं गर्म पानी की थैली लेकर आ रही हूँ। हाँ ले आ बेटी ले आ, जल्दी ले आ। अच्छा बाबा मैं भी चलता हूँ। अरे तू कहाँ चलो? सोने जा रहा हूँ। दबा दे पैर। बाबा जी अब तबीयत कैसी है? तबीयत 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 पूछ रहे हैं। हेल्थ 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 पूछ रहे हैं। आपकी तो बढ़िया है। अरे बाबा जी आपकी आपकी तबीयत। अच्छा हमारी सब ऊपर वाले की कृपा है। अच्छा, और का? अच्छा अच्छा चलो ठीक है। आओ ये बैठो, इसके मारे रख के। कोई बात नहीं। बाबा जी रसमलाई खा लो, आपके लिए लाया हूँ। जे तू उताब लो मत हो। हाँ बाबा जी आखिरी बार आया हूँ आपके दरवाजे में, 21 तारीख को बहुत ही शुभ मुहूर्त निकलो है। जब मुहूर्त ही ना है, जय बार शादी भी होगी 21 को। हाँ राधे राधे। 21 तारीख? हाँ जान ले लो हमारी नाश्ता पानी के बगैर। अरे काहे को 21-22 कर रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ गोपाल जा करके 2 माले ले आ, लगा दे एक दूसरे के गले में, हो गई शादी। लो बताओ। अरे पंडित जी जब बरमाला ही डालनी होती तो जे नौबत क्यों आती है? लाओ जी खाए जे। देखो पहलो कारण 2 फरवरी गोपाल राधा जे, दूसरो कारण 25 अगस्त गोपाल राधा जे, तीसरो कारण तीसरो कार्ड 2 मार्च गोपाल राधा, और अब जय जय देखो पंडित जी 6 दिसंबर को
को पाल रहा था। अरे तू ना जिंदगी बर्बाद कर देगा। अरे दो साल से कारड कारड ही तो खेल रहे पंडित जी। भाई साहब देखो होली गेट पे सबसे बढ़िया हिंग की दुकान किसकी? नंदलाल झोल के इकलौते दामाद की, और ये नंदलाल झोल का इकलौता नाती। इकलौते तेरी बात हो रही है जेही तो इकलौता है वे कोई तो फायदा उठा रहे हो है, वरना तो 10-10 सिस्टर रोज आवे घर पे। क्यों जी? हाँ कभी 10 कभी 9। अरे पर आती तो है। जेही 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 ढकोसले तो हम ना चाह रहे ना करना, समझ लो। फार्म हाउस में शादी करो, 800-900 लोग आएंगे खाने, कहाँ से कर पाएंगे? औकात हो रही हमारी इस वक्त। राधे राधे, देखो पंडित जी, जो 200 लोगों को खिलावे की भी औकात ना है रही हो तुम्हारी, तो एक काम करो, जे मना कर दो। ना 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 ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। तुमने बहुत घरेलू लड़की, देखो सुबह से काम में लगी है। अरे काम कर रही पर अपने ही घर में ना, हमारे घर में कब करेगी? 21 तारीख को शादी होगी। इस महीने की किस तारीख? इस महीने की किस तारीख? हाँ, जे महीने की किस तारीख? बहुत बढ़िया बाबा जी। तारीख राधे 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 राधे। 18 दिन बचे हैं, 21 तारीख। अरे सुन रहा है कि बैरो होगा? अरे कहा 21 तारीख से डरा रहे हो तुम? खीसे में पैसा रखे हो तुम? तकिया के नीचे रखे हो पैसा? किस तारीख? अरे अगर तू पंडिताई करता तो तकिया के नीचे का पूरे घर में पैसे ही पैसा होता। तो कलेक्टर बन जाऊं? अरे कलेक्टर का तू कंडक्टर भी नहीं बन सकते। कथावाचक बन, कथावाचक, कथावाचक। डंडा मारपीट ना चलेगी? मारो क्यों ना, मारो क्यों ना। कथावाचक, गाड़ियाँ आएंगी, अरे शामियाना लगेगा, मिठाई आएगी, हलवाई आएगा, दुनिया आएगी। राधा जल्दी आजा बेटा, डंडा कर देंगे मेरे। यही तो बचा रही तो ये बस। फिर शुरू हो गए? यही बोल रहे। चुप हो जाओ, चलो आओ जल्दी लेटो। का लेटे राधा? बाबा लेटो। कुछ नहीं, दिल कर रहा बस। सब दिल करेगा, चलो लेटो जल्दी आओ। हड्डी हड्डी तो तुम पे रहती है। बस अभी ये लगा रही हूँ गरम थैली, सब सही हो जाएगा। हाला लगा दे। जी किसके चक्कर में कुछ गलत मत कर लेना। तुम्हें तो बहुत अजीब है लगता होगा कि तुम्हारा बाप ऐसा है। आज तक शिकायत की है मैंने। हमारे साथ दोगी? हमेशा, मैं और पापा। पानी रखा है इसमें, पी लेना। ब्रज समिति के खाते में 500 रुपया पड़े हैं। समाज में धर्म कर्म बचोइना है। पंडित जी हमारी तुम्हारी है जो माथे पे तिलक लगाए घूम रहे हैं। चंदे के नाम पे चवन्नी ना निकले जेब से। तो हम कौन सा तुमसे ज्यादा मांग रहे हैं? जितनी बनती है उतनी मांग रहे हैं बस। नगद के लिए तो ना है, चढ़ावो आधो आधो करबे को तैयार हो तो कर दो कथा किसी पक्ष में। नारियल कपड़ा तुम्हारे और नगद नारायण हमारे, मतलब समिति रख लेगी तो। यादव जी नए कथावाचक को कौन सोने की तलवार चढ़ावे में चढ़ावे है? चढ़ावा चढ़ावा आप ही रखो, मेरी दक्षिणा फिक्स कर दो, फिक्स। फिर नारियल भी तुम्हारो, नगद भी तुम्हारो, कपड़ा मर्जी चाहे बेच देना, चढ़ावा। पंडित जी रुको तो, पंडित जी अरे सुनो तो, अरे आप तो छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हो पंडित जी। अरे पंडित जी का पंडित, चाय पियोगे? चाय शिकंजी? अरे शिकंजी लाइयो रे पंडित जी। छोड़ दो यादव। अरे कथावाचक, तुम्हारे फील्ड में कंपटीशन बहुत है, हर चौथे घर में तो कथावाचक पैदा है रहे। तुम्हारे जैसे लाखों फिर रहे मार्केट में। समिति वाले तो कह रहे कि रोटियों पे बुलाओ। अरे हम कौन सा पेट से टूटे हैं जो केवल रोटियों पे चले आएंगे?
तुम जो आओगे तुम तो कलेक्टर के बाप हो रहे हो। देख गिरधारी, जे कथा वाचक वगैरह बनवे को चक्कर छोड़ दे, समझो। तुम ज्ञान की बात ना करो। तू अच्छी तरह जाने में कर्ज पे कर्ज ना दाओ। आप बेटी के ब्याह में 15-20 हजार रुपया दे दूंगा ओनली, बस। वह दिन खराब चल रहे हमारे, वरना हम भी किसी की सुनते नहीं। हाँ भैया, तू तो कलेक्टर को बाप है। दही खट्टी आ गई, फ्रिज में रखना भूल गई थी। आजकल लेट हो रहा है बहुत तुम्हें। वो एक नया पैर शुरू किया है ना बच्चों का, इसलिए। कितने बच्चे हैं? कितने चाहिए? मिठाई देनी थी चाचा के यहाँ जाके। ये लीजिए। और ले लीजिए। हाँ हो जाएगा मेरा। चाचा के यहाँ चले ही जाना। वो खिचड़ी बना के रखी है तो उसे गर्म करके खा लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू। चलती हूँ बाबा। अरे बहू। भैया राधे राधे। राधे राधे भैया। बिंदिया कहाँ गए सब? बच्चे बाहर गए हैं। अच्छा, बैठो। अकेले हो? हाँ जी। ले हो क्या? किस खुशी में भैया? अरे ले आए बच्चों के लिए। बच्चों के लिए? 21 तारीख को जो है ना, इसी महीने के, बाबूजी ने राधा की शादी तय कर दी, जबरदस्ती तय कर दी। अच्छा। हाँ तो मतलब आ जाना तुम लोग इसी 21 तारीख को। हाँ इसी 21 तारीख को। आप तो हर साल शादी करवाते रहते हो। यह साल फिक्स है। पक्का? पक्का। बस तुम आओ। अरे भैया आप बुलाओगे तो हम क्यों नहीं आएंगे? अरे आना जाना धर्म भी समझो ना। तो आप पैसे मांगने आए हो? पैसा नहीं मांगने आए। अपने हिस्से का घर बेचना चाहते हैं हम। भैया तुम्हें कितनी बार समझाऊं, यह मकान नहीं बिकेगा, कतई नहीं बिकेगा यह मकान। अरे बेच। रही बात तुम्हारे हिस्सा की तो आप आके जब मर्जी रह सकते हैं यहाँ, घर नहीं बिकेगा। अरे कह रहे हैं, इतना चिल्ला कह रहे हो तुम भाई, किसी बाहर वाले को थोड़ी बेच रहे, तुम्हारी को तो बेच रहे हैं। हम ही को? हाँ। कितने में? मजबूरी है, दे देना 10 लाख। 10 लाख? आओगा इस टूटे फूटे मकान के 10 लाख? भैया मैं 5 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता। अगर हाँ तो 20 हजार रुपया ना भी। काहे अपनी घर की कीमत गिरा रहे हो तुम? रणबीर चौधरी मिले बाहर, कह रहे हैं 20 लाख देंगे। अरे रणबीर चौधरी 20 दे या 25 दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई खरीद कर तो दिखाए, जान से मार दूंगा। Come on.
जानू देखो ऐसी बात है, कई काम धंधा कर रहे होते ना ये परचूने फरचूने की दुकान ही कर रहे होते, 500,000 रुपए कमाते, हमारे भी शादी हो गई होती, आंगन में बच्चे खेल रहे होते झुंझुना बजाते हुए। जीजा जी, अरे अरे भाई साहब, अरे अरे भाई साहब, दूर से ही लग रहा है कोई कलेक्टर आ रहा है। कैसे हो जीजा जी? बहुत बढ़िया, सही में अलग ही चमक रहे हो, लग रहा है कोई बड़ा आदमी आयो है। धूप है ना, वो चेहरा लाल हो गया। आपके चेहरे पे एकदम फिल्मी हीरो जैसा तेज है। केला लगा है, साफ कर लो। अभी पहले हिंग उठाएंगे दुकान के लिए, उसके बाद घर चलेंगे, ठीक है? रिजल्ट को कहाँ हो गए हो, कब निकलोगे? आएगा, जल्दी आएगा, सरकारी है, थोड़ा समय लग जाता है, आएगा। आएगा ना। हम क्या कह रहे थे, शादी की तारीख कब की है? 21 तारीख। 21 तारीख। शॉपिंग वॉपिंग मार्केटिंग में पैसा वैसा लगेगा, कुछ इंतजाम है, कुछ है पैसा? हम कहाँ से करेंगे, तुम्हारी करोगे? तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है भाई, तुम्हारी करोगे? अरे तू कुछ ना करेगा, बेटा ही करेगा जो करेगा। सुन रहे हो, 21 तारीख ऐसे बोल रहे जैसे पद्मश्री मिलने वाला है। 21 तारीख। पापा थोड़ा चुप हो जाओगे, मैं इतने दिनों बाद आया, ये नहीं कि शांति से खाना खा लो। सवाल भी तो वैसे ही कर रहा है। तू खिचड़ी खा, मैंने तेरे मनपसंद की खिचड़ी बनाई है। खा रहे हैं। नमकीन ना लाए? बढ़िया। ये लो। क्या कहा है? नमक देश का, चखो। अरे बड़ा मजा देगी, इलायची के साथ फर्राटेदार। यार ये जो भाई है ना छोटा, बहुत इंग्लिश बोल रहा है। मतलब कह रहा है वो घर नहीं बेचने देंगे। घर बेचनी थी ना राधा की शादी के लिए, कहाँ से करूं? भोपाल के माँ बाप के हिसाब से तो ना कर पाऊंगा शादी। अरे राधा की कमाई पर तो हम खाते हैं, अब कहाँ से कहें कि बारातियों को भी खिलाओ। ठंडा कर रखा है रे बुला के। पंडित जी एक बात कहूं? क्या बात? एक पन दो काज। शराब फैक्ट्री खोलना है? ना 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 ना। तब तुम सबसे पहले बेटा की शादी करो, बनवारी बाहर से मिलेंगे बढ़िया पैसा, समझे? और बिस्से करना तुम राधा का बढ़िया सभ्या। तुम्हारा बेटा कलेक्टर नहीं बना है, लेकिन वो बिल्कुल कलेक्टर है, तुम मान के चलो। बिस का बहुत बढ़िया भाव लगेगा। बिस को जो अच्छा पैसा मिलेगा उससे तुम बुढ़िया की शादी करना। अरे ना हो सकेगा ऐसा बुलाकी। कौन करेगा ऐसे लफाड़े से शादी, ना होगा। अरे मैं हूं ना, तुमको बता रहा हूँ। तुम तो बस एक काम करो, कल मिलो मुझे, एक फोटो ले लियो बाकी। इतनी बड़ी लल्ला तो बड़ो सुंदर है। अरे बिल्कुल, कहाँ तक पढ़ो है? पढ़ो है? अरे ये सारी दुनिया को पढ़ा दे, कलेक्टर है। हाँ, लड़की और लड़की के घर वालों की एलर्जी समझो। कौन से बैच को है अब? अभी इम्तिहान दियो है। इम्तिहान दियो है? मतलब बेरोजगार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखो, ये ऋतु है, 10वीं पास। अज्जा के पापा चपरासी हैं, रिटायर। मेरे ख्याल से ये जोड़ी अच्छी रहेगी। जी कैसी बात करती चौबरी यार, अरे को बढ़िया खानदान दिखाओ, बिल्कुल एकदम।
कोई बात ना, कोई बात ना। ये देखो, ये कलावती है, बढ़िया, बीए पास। अच्छा, ये लोग राया के रईसों में से एक हैं। ये बात वही ना। लेकिन जाके पापा का पिछले साल देहांत है गयो। कोई बात ना है। अब वाके चाचा ने सारी जायदाद हड़प ली है। लेकिन लड़की कॉन्वेंट में पढ़ी है, फर्राटेदार अंग्रेजी बोले है, कहो तो बात चलाएं। अरे कैसी बात कर रहे हो यार चौबे जी, सारे भूखे लंगे तुम हमारे सर पे मर रहे हो। तू ऐसा खानदान दिखाओ जिनके बाहर से भीतर से हर तरफ से बढ़िया कमाई होती है यार, कैसी बात कर रहे हो तुम यार। भैया बेरोजगार के लई टाटा बिरला की बिटिया ढूंढ रहे हो तो हमारे हाथ जुड़े तुम्हारे आगे। ठीक है, भैया ऐसा चौबे तुम्हें जनरल नॉलेज के लिए टाटा को छोरी ना है, हमें बना रहे हो यार, हल्दी कर दी। अभी छोरी होती पहले हम वही आते, समझे कि नहीं। सुनो पंडित जी, मैं क्या कह रहा हूँ, आप हैं कलेक्टर बनवारी, आपकी आपकी बेटी की फैमिली की LIC पक्की, समझिए आप। नमस्कार, नाम बनवारी लाल शर्मा, पिता का नाम गिरधारी लाल शर्मा, दादा का नाम बंसी लाल शर्मा, कद 5 फुट 10 इंच, गोत्र कश्यप, फेवरेट टेम्पल बाकी बिहारी और ग्रेजुएट है हम सोशल साइंस में। आप NRI माधव जी, इनके बारे में। हाय पंडित जी, गंगा। धनवान है। आप तो कह रहे थे कि NRI है। केनिया। सो टेल मी वेयर यू पोस्टेड। हां मुरादाबाद। डैड आई थिंक वी हैव टू गो टू द ऑफिस। गंगा, यू कॉल द पुलिस। माधव जी, मैं कोरे कागज पर लिख के दे रहा हूँ, ये लड़का एक दिन कलेक्टर बनेगा तो बनेगा, लिखा के ले लो मुझसे। अरे पहले केस बनेगा बाद में कलेक्टर बनेगा। तो इसलिए याद आ रही थी आपको अपने बेटे की, और जानती हो सीधा ले जाके बैठा दिया। और बाबा जानते हैं लड़की कैसी थी, हम इंसल्टिंग नहीं हो रहे हैं, पर एकदम काला अंगूर थी। अरे सुकर मना, कालो लंगूर नहीं ले आया, बाप तेरा बहुत समझदार है। रंग में का रखो है, शाम भी तो काले हैं। पापा बात काले गोरे की नहीं है, बात उसके फ्यूचर की है, और आप मेरी शादी करने के लिए उसकी शादी क्यों करना चाहते हैं? एक बात बताओ, एक और कोई विकल्प है पापा के पास? नहीं है ना कोई विकल्प, तो नहीं करनी मुझे ऐसी शादी। मना कर दो आप उन लोगों से, मना कर दो। अरे सुनो राधा, राधा राधा राधा, देख रहे हो तुम, दो दिन अंधेरे में पड़े थे तुम, उसके तनख्वाह से रोशनी आई तुम्हारे कमरे में, और मेरी बेटी 2 सालों से अंधेरे में पड़ी है, तुम्हारे आंखों में रोशनी नहीं आ रही। गलत कहते हैं सब कि तुम्हारे घर में देर है, अंधेर नहीं, मेरे लिए हमेशा अंधेर है, हमेशा अंधेर है। निकल गई सारी भड़ास ठाकुर जी पे, या फिर और निकालनी है? एक बात बताओ, क्या 21 तारीख से मेरी जिम्मेदारी बनती है? वो भी तो इस घर का लड़का है, बेटा है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? मेरे कहने पर शादी कर लेगा, आ जाएगा पैसा, पैसा ही तो चाहिए ना, शादी हो जाएगी, बहू रहेगी घर में, पढ़ना होगा पढ़ेगा, जो करना होगा करेगा। कल को तुम चली जाओगी तो कौन देखेगा दादाजी को? मैं दादाजी संभालूं, खुद को संभालूं, ठाकुर जी संभालूं, काम संभालूं, मर जाऊंगा मैं, बाप हूं, क्या कहती हूँ, मर जाऊं? बोलो बोलो। ऐसे क्यों कह रहे हो? तोड़ दिया 21 तारीख ने मुझे, तोड़ दिया है मुझे 21 तारीख ने, डर लगता है इस घर में कभी कोई बारात ना आ जाए। ये है मेरी दोनों बेटियां, एक है लीना, हेलो नमस्ते, दूसरी शीना। हाय, एकदम जलपरी है। आपको जो भी पसंद है रख लीजिए। आप, मेरा मतलब है दामाद जी को। हाँ। और कैरेक्टर साहब हैं, दोनों में से कौन सी? हाँ। या दोनों हैं? देखो बेटा, तुम तो कलेक्टर हो, हम भी कोई गरीब नहीं है।
हमारे पास भी बहुत पैसे हैं और मेरी जो ये दोनों बेटियां हैं ना वो हाथ की दस्तकार है। ऐसा करती क्या है आपकी बेटियां? जी मसाज पार्लर चलाती है। ब्यूटी पार्लर बोल देती तो क्या तुम्हारा बिजनेस कम हो जाता? तुम लड़कियां दिखाना बंद करो, उनके खानदान का बायोडाटा दो बस। ऐसा है मेरे पास खजाना तो बढ़ाना है समझे, वहाँ बैठो सवेरे सवेरे घाट पे, बड़ी मोटी मोटी पार्टियां आती है वहां पे, गुजरात से, पंजाब से, कलकत्ता से, केरला से, दिन में से काई को फांस लो, हिसाब बराबर। चाचा को बाय बोल बेटा। गिरधारी जीएल शर्मा। अरे कौन जीएल शर्मा? अरे मथुरा से पंडित हैं।
अरे पंडित है तो क्या हुआ, हमारे यहाँ कोई कथा वादा थोड़े पड़ती है। अरे, अरे फोन रखो ना, तुम मोर बताओ कौन है जी। हेलो, पता नहीं कहाँ कहाँ से चलिया। हेलो, कहाँ भाई हो? अरे कहाँ कहाँ भाई, तू चुप रहना। आवे हो मुंह पर आ गई का कलकत्ता से। अच्छा अच्छा, बात करो बात करो। हेलो हेलो, इंद्रानी बोल ची, इन नंबर तक एक तो मिस कॉल चिलो। हाँ हाँ, आपने जो शादी का इश्तेहार दिया था ना अखबार में। हाँ हाँ, हमारे पास लड़का है। है, बोलो आप लड़के के क्या लगते हो? लगते लगते लगता क्या, लड़के के बाप हैं। तो आ जाइए ना कोलकाता। आप आई कहाँ नहीं आ जाते? मथुरा? मथुरा में कोई अच्छी जगह है रुकने के लिए? अरे घर है आपका? हाँ, घर? हाँ, घर हमारा घर। आपका घर? घर नहीं, आपको ना पसंद हो तो कहीं। ठीक है, बताती हूँ। अबे कबाड़ी में ही ऊपर वाले मिलते हैं, देखा? आइए आइए ठाकुर जी के दर्शन कीजिए, आइए आइए ठाकुर जी के दर्शन कीजिए, गीता पाठ का आनंद लीजिए, आइए ठाकुर जी के दर्शन कीजिए। चल जा रही हूँ। आइए भैया, एक वो बिस्कुट का पैकेट दे दो। ये? हाँ, और एक वो बगल वाला भी दे दो। और बताइए, और पेड़े आपने कौन से ताजे बनाए? पेड़े ये मैडम एकदम फ्रेश हैं। ताजे हैं ना? हाँ, एकदम हाँ, तो ताजे। ये आधा किलो दे दो। पेड़े का डब्बा देना गोविंद। भैया 5 पीस रसमलाई भी कर दो। नहीं नहीं भैया, रसमलाई नहीं चाहिए। अरे भैया चाहिए, करो आप। अरे रसमलाई क्यों चाहिए? चाहिए ना। क्यों नहीं? अरे मैं बताऊंगा। नहीं ना। अरे चाहिए। तुम नहीं? अरे भैया आप पेड़े तोलो ना, यहाँ क्या देख रहे हो? गली में खड़ा था, वाने दिया ने बताई तुम तो मार्केट आ गई। हाँ? तुम गए थे? हाँ जी। कितने हो गए भैया? 250 रुपए मैडम। तुम रहने दो, तुम्हारी सैलरी ना आई ना अभी। वैसे खबर पूरी रखते हो। हाँ तो तुम्हारी खबर ना रखूंगा तो किसकी रखूंगा? लो भैया ये लीजिए। ठाकुर जी संभालना, अगर आ गए तो हम भी तैयार हैं, चलो। अरे इसकी क्या जरूरत थी? स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद जी, ऐसे स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम नहीं आई, कहाँ है? वो नहीं आ पाई। क्यों? उनका पांव भारी हो गया ना। समधन जी गर्भवती हो गई। कमेड़ा, कमेड़ा की डेट को है? हाँ? कमेड़ा? कौन सा कमेड़ा, ये घर है। अरे बुकिंग कराई थी ना एक महीना पहले जमुना धर्मशाला में। दिया, ये क्या कर दिया? रॉन्ग नंबर उठा लाया बेटा। सॉरी जी, ये घर है आपका, उधर है जमुना धर्मशाला 3 किलोमीटर दूर, फिर वहां से बस मिलता है, वो 16 किलोमीटर अलग। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। अरे आपको भी पहले पूछना चाहिए था ना। चुप, काम का टाइम को टिकिया। ठाकुर जी बड़ी परीक्षा ले ली तुमने यार, कुछ तो बिगड़ी बना दो। अरे कौन आ गए? इंद्रानी। कलकत्ता से? हाँ जी। अरे आ गए, धन्यवाद धन्यवाद। आओ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वाह वाह वाह, स्वागत है आपका। थैंक यू। कलकत्ता से ना? हाँ। ये तो हमारे मथुरा का सम्मान है, आप आए, वाह वाह वाह। थैंक यू। ये है पंखुड़ी मेरी बेटी। वाह बेटा, खुश रहो खुश रहो खुश रहो, सौभाग्यवती रहो। बहुत सुंदर है ये तो मंदिर है, घर कहाँ है आपका? मंदिर तो मतलब भगवान के घरे को घर समझ बैठे। बिजली चली गई। मथुरा में ना जमुना जी खराब, चाहे विद्युत विभाग खराब,
नगर पालिका सब खराब है खराब मतलब। राधा देखो राधा मेरी बेटी है ये। अरे वाह नमस्ते। कितनी सुंदर है। थैंक यू। स्किन तो देखे चीश ब्यूटीफुल। बेटी बैठो जी। सिट सिट प्लीज सिट। काम क्या करती हो बेटी? जी मैं टीचर हूँ। टीचर वाओ शुल्ले माध्यमिक विद्यालय में पढ़ी है जहाँ पे यहाँ पे है। अच्छा हाँ। अरे क्या खीर बनाती है बृहस्पतिवार को ये। हाँ? हाँ? अरे ये भी बहुत अच्छा पका लेती है। अच्छा इसका तो बस बचपन से शौक था सिलाई बुनाई कढ़ाई बोले। बस पापा की तो आदत है। ये हमने सुनी कलकत्ता से मेहमान आए कोई। चाहे कहाँ से आ गए सुबह सुबह। जी मथुरा की प्रसिद्ध दुकान के प्रसिद्ध पेड़े हैं जे उतने ही मीठे जितने की जरूरत है। ले खाओ एक एक लो। अब लाओ मैं प्लेट में लगा कर लाती हूँ। चलो ये दादा कौन? अरे जब मोहल्ले की लौंडे हैं आते जाते हैं सुबह शाम। मथुरा में तो देखे चीज कोलकाता शहर को तो 10 বছরে আমাদের আশেপাশের বাড়ির লোক কেউ খবর নিয়েছে বলতো সত্যি। क्या कलकत्ता में ना कोई किसी को नहीं पूछता। अरे मथुरा में तो कभी भी कोई भी कहीं भी मुंह उठाए चलाता है। हम लोग तो पूरा मोहल्ला ही घर समझिए। राधे राधे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मंदिर है। हाँ मंदिर है ना मथुरा तो पूरा घर ही भगवान का। आ गए आ गए आ गए। जय है हमारे बेटे। अच्छा अच्छा इंद्रानी जी। कम कम सेट बैठो। तू तो रहने दे ना बैठो प्लीज सेट। दुकान बंद है क्या? बैठो 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 बैठो। तो नाम? नाम बनवारी लाल शर्मा। पिता का नाम गिरधारी लाल शर्मा। दादा का नाम बंसी लाल शर्मा। कद 5 ফুট 10 ইঞ্চি गोत्र कश्यप और हम सोशल साइंस में ग्रेजुएट हैं। व्हाट डू यू डू बनवारी? बोलो क्या क्या काम करते हो बेटे? जी हमें तो जो पापा मम्मी बोले हम तो वही करते हैं जी। हाँ आगल है मोहल्ले का लड़का। मजा चले। जे भी मजा है। अच्छा आओ हम तुम्हें अपने बाबा से मिलवाते हैं। हाँ जी आओ चलो चलो जा। तू यहीं रख जा। जाओ ना बाबा जी अपने। आप भी नहीं तुम यहीं रुको। जा बैठ पंखे झेल। तू उधर ही खड़ा रहे बाबा। मेरे प्यारे देशवासियों। ओ बाबा हर मन की बात से पहले जग रहे हो? देश के हर जग रहा हर आयु वर्ग के लोगों से। देखो तो बाबा आपसे मिलने कौन आया है। कौन आया? बाबा मैं पंखुड़ी कलकत्ता से आई है बाबा। अच्छा। अपने बनवारी को देखने। मैडम जी कलकत्ता में मसाले के बिजनेस की क्या अपॉर्चुनिटी है? किस तरह के मसाले? हींग बेचते हैं ये। छोड़ना चला जाऊंगा। ये आपके लिए ठीक है। आराम से बाबा। बोलो कितना चाहिए? अरे कौन फसा रहो 21 तारीख को आ रहो? हैं? अरे जिससे मेरे पोते की शादी होनी है। जी यही है इंद्रानी जी। नमस्कार। 21 तारीख। अरे हट हट रे। बाबूजी हैं इसलिए मारते रहते हैं। अरे काहे के बाबूजी हैं इसके? अरे मैं काहे का बाबूजी हूं जिस घर में रिश्ता हो रहा हो और वहाँ कोई बताए ना कि भैया रिश्ता हो रहा है। बाबा चुप हो जाओ ना। तेरो मर्द ना आयो। एक्चुअली हम बहुत सालों से वी डोंट लिव टुगेदर। बड़ी अच्छी बात है। हरे कृष्णा और एक जे बैठो। 10 साल पहले इसकी बीवी मरी और जिस दिन मरी अगले दिन भी सपने में ना आई। हमें शांत हो जाओ। परेशान रहते हैं। डांस भी आता है तुम्हें? हाँ। कहाँ सीखा? बालीगंज। बढ़िया जी। आप भी कभी आइए ना। मौका लगे। साड़ी में एकदम सरस्वती लग रही है ना राधा? तुम्हें भी याद है? वो मतलब ना था मेरा। अच्छी लग रही है। ऐसी है क्या मेरे टाइम? Cheers to that. Cheers.
साथ कुछ खराब होता है पंडित जी। जिंदगी में किसी के साथ कुछ खराब होता है तो ये क्या उसकी मिस्टेक है, उसकी गलती है? जिसके साथ खराब होता है? कहाँ पढ़ी हैं आप, पागल हैं आप। सच तो ये है, हम आप यहाँ नमकीन खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, लिखा हुआ है आप मेरे घर आए बेटी को लेके आए, लिखा हुआ है। हाथ दिखाइए आप, डरिए मत, किरदारी पंडित को हाथ दिखा रहे हैं आप, लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि पंखुड़ी विधवा है, तीन साल पहले पंखुड़ी की शादी हुई थी, हनीमून पे गया था, जिस दिन पहुंची उसी दिन उसकी हस्बैंड की डेथ हो गई एक्सीडेंट में, ट्रॉमा में थी, बहुत स्ट्रगल किया पंडित जी, किसी का सपोर्ट नहीं मिला, 25 लाख्स। बेटे की शादी जो आपकी बेटी से हो रही है विधवा है। सुनो, हाँ, घर में सब बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तुम्हारा छोरा ने बहुत ही बड़ी आसामी फांसी है। भगवान जाने किन्ने किसको फंसाए हुए। बस 21 तारीख को राधा निकल जाए, बस निकलेगी राधा, निकलेगी तुम आओ, निकलोगे हम आओ, निकलेंगे सब निकलेंगे, तुम्हारे नाक कान के बालों निकलेंगे, समझे? इंतजार वो घड़ी आ गई आज, शुभ विवाह गोपाल राधा। ओ गोपाल, निकासी को टाइम है गयो। हाँ भैया आयो, जल्दी कर, वो घड़ी आ गई।
बहुत प्यारी लग रही है राधा और मेरी बच्ची भी दूजन के जनो पूरीर मतो लगछे राधा के दाद पूरो रानीर मतो गोपाल देखेगा इसे तो क्या कहेगा मालूम है शादी के बाद पूरा हींग का चौक ही देगा डाल में और कोई चौक याद भी नहीं रहेगा मजा अच्छे से तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो आज बनबारी की नजर तुमसे हटेंगी नहीं ये लो नजर ना लग जाए पल्लवी पल्लवी आओ बारात आ गई ना 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 तो वो पंछी बाबा चढ़ गए यार कछु ना ठीक है अरे ठीक है इधर आओ छा पे आओ कछु ना भाई इधर आओ पंछी बाबा चढ़ गए चुके रहे चुप हो जा चुप करो चुप करो चुप करो चुप करो चुप का हुआ का वो ठीक है थोड़ी चोट लगी मैं गुंडा घुसा है बराफ में हुड़दंग मचा दी मैंने और सबसे बड़ी बात तो ये कि बनवारी कहाँ है दोनों दोनों बच्चे लापता हैं दोनों दोनों दूल्हा लापता हैं दोनों कैसे ये परेशान मत होइए ये घर यहाँ से छूट गया ना ये देखें किसी को छोड़ेंगे ना इन लोगों को और हाथ खोल जाए एक बार अबे यार क्या हो गया अरे देख जरा जो फड़फड़ा रहा है कावे भैया भूख लग रही है प्यास लग रही है तू तू लग रही थी क्या खोल नहीं कह रहा भैया जी खोल दे अरे भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुलाजिम के साथ आप ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं अरे क्यों नैप दू किया हमको अरे हमको तो जो आदेश मिला वो ही करेंगे हम अरे तुम जानते नहीं हो मैं आईएएस ऑफिसर हूँ आईएएस ऑफिसर अरे तुम सब के सब जेल जाओगे मुझे छोड़ो भी के भी नहीं तो तब जेल भेजूंगा जे पंडित को लड़को तो आईएएस है गए हो और हमें पता भी नहीं चलो परे पंडित खूब खेल खेलो है रोबदार को फ्यूचर फिक्स है खुद ही छोड़ देते हैं कितना खुशा तो लल्ला शादी है रही उसकी खुशी के मारे गाना गा रहा था जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई पता नहीं ये कैसी घड़ी है गई पंखुड़ी तूने बनवारी को कुछ बताया तो नहीं था ना माँ मैंने कुछ नहीं कहा ले बेटा जा तू चले का बोलोगे का चिंता ना करो बिहारी जी सब ठीक कर देंगे अरे कब पंडित जी जय का खाली हाथ अरे लल्ला कहाँ है लल्ला अरे कहाँ रह गयो पंडित जी कहाँ रह गयो लल्ला अब वो अरे कोई कछु बोलेगा फूटेगा मुंह से ना वो काय दोनों घोड़ी तो मिली घोड़े वाले मिले घोड़ा पाओगे जी बोल से तो अरे घोड़ियों का क्या करेंगे छोरों का क्या हुआ लल्ला पता नहीं कहाँ दोनों लल्ला बताए गए चलिए मेरे साथ वो पुलिस स्टेशन चलिए आप लोग हाँ हाँ सही कह रही हो कलकत्ते वाली ना कछु खाने में मन लग रहा हो ना कछु पीने में मन लग रहा हो चलो चलो पुलिस स्टेशन चलते चलिए हम जा रहे हैं मैडम चलो टेंशन मत लो मैं जानू सब जल्दी चलो आओ महाराज आ रहे हैं मैडम
उठा रहा फोन, बनवारी फोन ना उठाएगा। तो बात का भी ना लग रहे हो है? मैंने और उसकी माँ ने कितनी बार ट्राई कर लिया फोन, लगी ना रहे हो है? बताओ भीतर बताई थे बड़ी अर्जेंट है। तो क्या पहले आप अर्जेंट हो? पता ना है दोपहर को रुस्तम भाग गए हो भाई पकड़वे में, दरोगा जी की पीड़ लिया, दुखी पीड़ लिया। हाँ बहुत बड़ा बदमाश है, गुंडा ना है, सीओ साहब का कुत्ता है कुत्ता। यादव यस सर, जय दूध ब्रेड दे दो रुस्तम को। ओके सर, रुस्तम को दूध ब्रेड। जब सुबह शुद्धिकरण होगी तब सीओ साहब उसकी लेंगे। कुत्ता की ना, मेरा मतलब है कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था। मजाक कर रहे हो? नहीं सर, मजाक ना करो। मतलब शुद्धिकरण करके घर में एंट्री लेंगे। बताओ। बताइए जी, वो दो दूल्हे गायब हो गए हैं बारात में। अरे भाग गए होंगे अपनी अपनी सेटिंग के साथ। आजकल के बच्चे माँ बाप के कब्जे में रहते हैं। नाना दुर्गा साहब ये बात ना है, दोनों छोरा बहुत ही शरीफ है, बहुत अच्छा लड़का है। आप जैसे भी उन्हें जल्दी से ढूंढ दो बस। एक काम करो, सुबह तक बैठे अब जय दरोगा साहब जिन लौंडियों के साथ भागे उनके घर वाले आएंगे, रिपोर्ट लिखवा दे तो पता चल जाएगा किसके साथ भागे। बैठने से कुछ ना होगा दरोगा साहब। आराम से बैठो, चार पाँच घंटे की बात है। माथे पैर सुना कर बड़ी परेशानी में होंगे, आपकी कृपा होगी सरकार। आप लोग घर ही निकलो, बोल देना नाकाबंदी कर रही है पुलिस। तुम क्या करोगे भूख हड़ताल? सवेरे कुछ खाया ना है? चलो राधे राधे नमः भगवते वासुदेवाय। दादा, बाबा, भाई साहब। हाँ जी, विलेन सदन यही है ना? हाँ। आपके अलावा आदमी भी रहते हैं यहाँ? हाँ। मारदे, अरे मारदे, रावदारी मारदे, कहाँ है रावी? सपना तेरे घर में बाप भाई नहीं है कहा? अभी ठोक 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 दे। अरे गोली, अरे कहा वो? घड़ी घड़ी सपने में ही चल जाते तुम। वाह पंडित जी, राधे राधे, खाली हाथ आ गए, नहीं लाए हो पैसा? ऐसा कैसा पैसा, तुमने काम ही किया है गलत। हमने कहा था मेरा छोरा जो है बनवारी, उसको 9 से 12 पिक्चर दिखा के ले आना। आदमी लो सजना, तुम तो दामाद ही उठा लिया। अरे उठाने तो तेरे लौंडे को ही गए थे, पर तुम्हारा दामाद बीच में आ गयो। बहुत पटक पटक कर रहो तो, लेकिन अब शांत पड़ो। शांत पड़ो मतलब? हमारे लौंडों ने अच्छी जम के सुताई करी है। सुताई? पापा, 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 भाई साहब ने आपको किडनैप कर लिया है। और देखिए जीजा जी को तो क्या कुत्ता की तरह मारा है। बहुत कुटो है जी, इनको उम्र के चौथे में बहुत कुटो है। क्या तू बिल्कुल गलत है, पैसे भी ले रहा हूँ ऊपर से सुताई भी कर रहा हूँ। देखो मेरी बात सुन, अभी हम अपने दामाद को लेके जा रहे हैं, राधा बिटिया से उसकी शादी करा देंगे, फिर हम तुमको एक मिस कॉल देंगे, तब तुम जो है मेरे बेटे को लेके आ जाना, बस। बहुत बढ़िया मेरे चाणक्य पंडित जी, फिर तुम जाके उस बंगालन से कहोगे कि तुम्हारी इस विधवा बेटी से मेरे बेटे की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि अब मेरा बेटा IAS हो गया है। तूने बताया? तू का सोच रहा, तो तू ना बताओगे तो हमें पता ना चलोगे। भाई साहब इंडियन पीनल कोड 1860 दफा 363 जेल जाएंगे। तेरा बेटा सोच रहा है कि हम जेल जाएंगे,
लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम विधायक बनके जेल मंत्री बन जाएंगे। ना ना ना, देखिए मिस्टर रोबो, कोई जेल ना जाओ, आज अच्छा दिन है, पूर्णिमा का दिन है, ऐसी गंदी बातें नहीं करते। बस मैं दामाद को लेके जा रहा हूँ, आप जो है ना लेके आ जाना पंडित जी। ये बेटी की जगह बेटे की शादी भी तो हो सकती है। हाँ, जो हम कर लेंगे, आपको का पड़ी, आपसे का मतलब है? मतलब ये कि बेटी तो हमारी भी है पंडित जी। उतारिए गहने और आइए हमारे दीवाने खास में, आप भी आ रहे। अरे दामाद भी है, लड़का भी है, पूरी फैमिली है, आइए तो। जो जो बात हुई थी पंडित जी, आइए तो। पंडित जी, पंडित जी, राधे राधे। राधे राधे। मिठाई लाए हो आपके लिए। बिना बोले क्यों बैठा? खड़ो अब बैठ। चले पे नमक छिड़कने आया, चल निकल यहाँ से। अरे निकल, नहीं तो डंडे से मारूंगा। अरे मुझ पे क्यों भड़क रहे हैं? निकल। लाला जी ने भिजवाई है, लाला के कलेक्टर बनी खुशी में। हमें नहीं चाहिए मिठाई, निकल। कान में रोड़ दिया इतनी तेज। बाबा कल भेज दीजिएगा बाप बेटे को विधायक निवास, विधायक जी ने याद किया है। अरे वो तो कल रात से दोनों गायब है। है? दोनों गायब है। रिजल्ट आते गायब हो गए। आप एक काम करो, आप विधायक जी के पास चलो, यूं यूं ढूंढ देंगे वो यूं। अरे अब चले जाओ ना। हाँ। पंडित जी। हाँ मिस्टर रोबो। का सोचो है तूने? सोचना कहा है, बस बंद कर दो अपनी ये मुसीबत में कॉमेडी, छोड़ दो मैं एक बार। छोड़ तो दूंगा पर सोचो का है तुम? जय संभव ना है, असंभव को संभव करने की कला हमें आती है पंडित जी। बनवारी नहीं मानेगा ना? मान लेगो, और ना मानेगो तो मुन्नी मना लेगी। मुन्नी कौन है? तुम्हारी होने वाली बहू। अब ये कौन है जी? अब मैं क्या बताऊँ यार, जाने तो अगली बार भेज दी। कैसे हैं कलेक्टर साहब जी? हम हॉट स्मार्ट सेक्सी तो बचपन से ही हैं कलेक्टर ना। जय है जी कलेक्टर। आप कौन जी? मुन्नी। तो आप हैं कलेक्टर साहब, तो बताइए कलेक्टर साहब कैसी लग रही हूँ मैं? जी एकदम पटाखा लग रही हो कसम से। चुपी ना करो ना जी जी आप। तो बताइए कलेक्टर साहब क्या लेंगे आप, बियर विस्की या वोडका? कंचा की बोतल तो प्याई ना। हाथ खोल दो बस। इतनी जल्दी? चलिए अब हम आपको दिखाते हैं अपनी दरिया दिली। मैडम हमें भी दिखा दो, मतलब हमारे भी खोल दो मैडम। जीजा जी चुप ही रहा करो। लड़के उठ गए और आप पुलिस के भरोसे में बैठे रहे? सीधा हमारे पास आना चाहिए था ना आपको। सर रोबदार का फोन तो बंद आ रहा है, समझदार को मिला है? लगाओ। देखिए आप चिंता ना करें, हम पता कर रहे हैं। हाँ विधायक निवास से बोल रहे हैं मंसूर, विधायक जी बात करेंगे। ये लीजिए सर, समझदार। दरोगा जी ये क्या हो रहा है भाई? जैन सर, रिजल्ट आते ही कलेक्टर उठ गया। कलेक्टर साहब किडनैप हो गए? अरे वही जिसकी खबर छपी अखबार में। अरे अपने वो क्या 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 नाम है, क्या? गिरधारी लाल शर्मा। हाँ गिरधारी लाल शर्मा, अपने पंडित जी का लड़का। सर हमें कोई सूचना नहीं है सर। सूचना नहीं है? अरे भाई कलेक्टर के बाबा तो कह रहे हैं कि पंडित जी आए थे आपके पास। हाँ, गिरधारी गए हो तो कल रात।
वो हमारी तबीयत ठीक नहीं है सर, इसलिए हम थोड़ी छुट्टी में चल रहे हैं, तो जानकारी नहीं है सर। अच्छा, हम सब समझ रहे हैं दरोगा जी, तबीयत खराब है आपकी, हैं? कौन सी दवा लाए आपके लिए? नहीं सर, मैं आप तकलीफ ना ले, मैं तफ्तीश करके आपको सूचित करता हूँ सर। जैन सर, जैन। साले कलेक्टर से बात करने में हमारी फटती है, और तुम सीधे किडनैप कर लिए। अरे फटती तो हमारी भी है, लेकिन हमने दिमाग में कछु और सोच रखो है। सुनाओ। अब सुना तो ना सके। देख लो, जवाबदार कलेक्टर चाहिए। कलेक्टर तो ना मिल सकेगा, कलेक्टर को हमने अपनो दामाद बनाने की सोची है। जाए तो संभव ना। आओ पंडित। संभव ना। जवाबदार बाहर जाते ही जेल भेजेगा कलेक्टर, सड़ जाओगे। जेल तो कछु और भी लोग जाएंगे, उन्हीं ने तो सुझाव तो कि कछु खास लोगन को किडनैप कर लो। किडनैप ना कही थी, फिल्म दिखाने की कही थी, किडनैप कर लाए। अपहरण 120B और 364 लंबे न पोगे पंडित, अब तो बात थाने में चलकर होगी। चलो 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 चलो। अरे दरोगा साहब, यही निपटाते हैं ना, लीलावा के खत्म करिए, कहाँ फंसा रहे हैं आप इस सब में। पहले तो तुम ये बताओ कि तुम रिपोर्ट लिखवाने आते हो पर रिपोर्ट लिखवाते नहीं हो, चक्कर क्या है? क्या लिखवाए, शादी के प्रेशर में, किस तारीख के प्रेशर में सब। तो शादी के प्रेशर में किडनैप का ऑर्डर दे दिए। अब आप ही कुछ करो, मतलब संभालो आप, मतलब देखो आप। क्या है पंडित जी, संभाल तो लेंगे, बेटी हमारी भी बड़ी अच्छी है, होनहार है, सेट करो कुछ। अच्छा मतलब ये है मामला। हाँ मामला ये है, और फोटो दिखाए। ये रख लो, ये कैश स्टैम्प। बहू है तुम्हारी। अब ये बहू है मेरी। कलेक्टर को फोटो दिखाओ, मामला सेट करो, बाकी चिंता छोड़ दो। सुना, बच्चों को छोड़ो, अर्जेंट में शादी की बात करनी है, बाहर चलिए। बाहर कहाँ, फिर से रौबदार के पास। रौबदार तो अपना आदमी है, चिंता की बात नहीं है, पर तुम पे भरोसा नहीं कर सकते पंडित, बीच में पता नहीं कौन सी कथा बांध दो। रौबदार, पंडित जी का ध्यान रखो तब तक। राधे राधे। राधे राधे। पंडित जी। जी मिस्टर वो। जब शैम्पू ही बेचने आ तो जे नाखून कह रहा गड़वाए। पहले पंखुड़ी, फिर मुन्नी, और अब ये दरोगा की बेटी। यहीं तो रुक जाओ पिताजी। कछु चाहिए का? अरे ताऊ कछु ना चाहिए, हाथ अन्ने खोल दे, खोले को। गुंडे का दामाद बनने से तो अच्छा ही है, दरोगो का दामाद बन जा। बनवारे मान जा भाई, मेरो भी रास्तो साफ है जाएगो, राधा इंतजार कर रही है यार। मिस्टर रोबो को बुलाऊं का? अरे रोबो ना, वो गब्बर सिंह आएगा हमारी जान को। हैं कैसे बाप भाई है, जवान बेटी घर में बैठी, कोई चिंता ही ना है। उठ जा। कहाँ भाई? चल उठ। अरे उठ उठ। कहाँ भाई हो भैया? खोल रहे हो? खोल रहे हो भैया? ले भैया, खोल खोल। थैंक यू भैया। चल उठ। थैंक यू भैया। अरे रुक जा, हाथ तो मिला दे यार। चल। अच्छा भैया, जे सोफा ले लूँ। चल बहुत भैया। खोल रहे? चल। अरे इनके तो खोल दो हाथ। कहाँ जा रहे जिया जी? छोड़ रहे हैं वही तो। चल। अच्छा जी, बाकी भी आ रही लाल की जा। निकाले जा रहे हो? निकाल लूँगा आप लोगों को भी। पंडित जी,
तू क्या सोच रहा है धूमधाम से दरोगा की लौंडिया से शादी करा देगा? कैसा बाप है रे तू, अपने लड़के को नहीं मना सकते? मेरी लौंडिया को देख, मेरे कहने पे अपने 4 साल पुराने बॉयफ्रेंड को छोड़ दियो। अरे सोचो उस लड़के ने कितना खर्चा किया होगा, ये लड़के को नहीं मना सक रहा हूं। पता अंकल को माने को नहीं माने को दिखा रहे लेग पीस ले आ। लेग पीस? चल पापा जी। अरे आड़ा करके ले आ। कर रहा हूं गेहूं के साथ में खुद भी पीस रहा है। ये क्या हो गया जी? अरे मान जा यार, देख रहे हो वो अंकल, मैंने कचू ना करी, वो कचू ना पता, वो तो जान दो। जय बनो आइया जी, मैं तो कॉलेज ही ना गयो, हवाई तो जी छोटी सी हिंग की दुकान है। हिंग की दुकान है तो हिंग से सेक के सो जा। अब जो नहीं मान रहा तो मैं क्या करूं? ज्यादा लगी ना जी जी, कोई नहीं तो थोड़ा खाल भर ले थोड़ा। अरे मान जा, कसम क्यों डंडा करवा रखो है। आइए राधे राधे विदाई भैया। अरे आपने क्यों कष्ट करो, खबर कर देते मैं खुद आ जाता हूं। तो ये जरूरत है हमारी? कैसी बातें कर रहे विधायक भैया, सब अपाई को दियो है। कलेक्टर कहाँ है? अरे इतनी गर्मी में विधायक भैया को ले आए। अरे अब आ गए तो बेचा कर सकता हूं। लग जाती तो मिंटो वाला भी लगा ही होगा। रोबदार अंकल। अरे कलेक्टर साहब। ये कलेक्टर साहब ना है, हींग वाले को छोड़ा है। अरे हट। ए कलेक्टर कहाँ? जी रहे। विधायक जी, पंडित जी, वो है कलेक्टर। पंडित जी। अरे पंडित जी, पंडित जी बधाई हो। किस बात की? अरे आपके लड़के ने पूरे क्षेत्र में नाम किया है, नाम। अरे जे कौन है? विधायक है घंटा की। विधायक जी मोए भी बचा लो जी, मैं भी फैमिली का हिस्सा हूँ जी। रफ्तार सबको खोलो और सुनो जी, पंडित जी को हमारे पास लेकर आओ। चीयर्स। चीयर्स चीयर्स। पंडित जी लौंडे का फ्यूचर ब्राइट है आपके। हाँ। अब देखिए कलेक्टर से सेक्रेटरी, सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी, और चीफ सेक्रेटरी से अम्बेसडर, वो भी कहाँ का? ईरान, इराक, लीबिया, कोरिया और अमेरिका का। जे अपना अमेरिका? अपना अमेरिका। जहाँ पे हमारे आश्रम हो जाएंगे कहाँ? अरे क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हाथ दिखाइए। अरे हाथ का देख रहे हो पंडित? देख रहा हूँ तुम्हारे नसीब में कोई बेटी बेटी तो ना आगी। अरे अब राजनीति के चक्कर में शादी ब्याह का मौका ही नहीं मिला हमें। अरे बेटी नहीं है। बस दूर के रिश्तेदार है एक भतीजी। प्रस्ताव है। प्रस्ताव है? हाँ। भतीजी। भतीजी क्या सोच रहे? ना हो सकते। अरे काहे? अरे रोबो, रोबो। अरे रोबो का क्या है, वो अपना आदमी है, संभाल लेंगे। पक्का? पक्का। चलो बाहर जा करके। पक्का हुआ? दरोगा का क्या करोगे आप? विधायक है घंटा के, और दरोगा साला हमारे आगे बर्फ डालता है गिलास में। पक्का? अरे पक्का ही पक्का है। ना 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 हो सकता है। काय नहीं हो सकता है? अरे बुआ बैठी है ना घर पे, वो बंगालन कलकत्ता वाली। अरे
पंडित जी उसकी भी सेटिंग कर देंगे, तुम्हारे गुण गाएगी वो। मेरे गुण गाएगी? परमानेंट? बिल्कुल परमानेंट। चलिए बाहर चल के बारात का इंतजार। अरे सुनो पंडित, क्या हुआ? क्या हुआ? चुपचाप यहीं पड़े रहो जब तक शादी नहीं हो जाती। क्यों? हमारी तसल्ली के लिए, समझे? अरे मुसीबत में कॉमेडी, यहीं पड़े रहने का क्या मतलब है? हेलो आप हो गए, उधेड़ दियो सारो। बाजी विधायक की बेटी कहाँ से आ गई? बेटी ना है, दूर की रिश्तेदार है। दूध की रिश्तेदारी कहाँ हो गई जी? दूध की नहीं, दूर की समझता है, डिस्टेंस। दूर की हो क्या फर्क पड़ता है? पहले आप मुझे को न्योता दे रहे थे, अब तो आप सबको दे रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा आपके दिमाग में चल क्या रहा है बाबूजी। वैसे मान गए पापा जी, हैं अपने लड़के की तो तीन तीन चार चार करवा रहे हो, मेरी एक भी ना करवाई जा रही आपसे। मुझे इसकी ट्रेनिंग की चिंता है, ट्रेनिंग में भेजना है इसे। ट्रेनिंग में तो तब जाएगा जब यहाँ की ट्रेनिंग खत्म है जाएगी। यहाँ की ट्रेनिंग तो जब ही खत्म होगी, जब यह मुन्नी से ब्याह करेगा। और साड़ी मिल गई? अरे क्रिकेट खेल रहे, बताओ। धूप में क्रिकेट, गुस्से में क्रिकेट। राधे राधे पंडित जी। अरे जी तो पापा जी कहने थे। नीलामी लगी है क्या? ए, जो ज्यादा रन बनाएगा उसको मिलोगे। पर वो मेरी है ना। अरे सब आप ही को है, वो गहने भी आप ही के हैं। जो ज्यादा रन बनाएगा उसको मिलोगे, समझे? आप सुनाइए पंडित जी। मुन्नी से शादी करने को तैयार हो गए हो? वाह वाह, कलेक्टर बबुआ मान गया। जीता रहे। रोबो अंकल, बात जो है, पापा जी ने ना पूरी रात समझाई, फिर हम सब ने सोचे मुन्नी से शादी कर लें। अच्छा, इनके सामने तो चुप रहे। हमारी एक शर्त है, बारात ना मतलब बढ़िया से सबके सामने खुल के शादी हो। बिल्कुल। और विधायक जी भी आएंगे। अजी यार, दरोगा जी को भी बुलाएंगे। अरे वो दरोगा जी तो वो साला खुद ही जुगाड़ में लगो है। विधायक भी तो अपनी भतीजी के लिए लगा है, तो आने दीजिए ना विधायक को अपनी भतीजी लेके, दरोगा को अपनी बेटी लेके। शादी तो मुन्नी से ही होगी ना, घूंघट में किसे पता चलता अंदर कौन है। वाह पंडित जी, आप तो चाणक्य निकले। अरे अरे बाबूजी, माल बाबूजी को आओ। पंडित जी को भी गेंदा खिलाएंगे। आओ पंडित जी। अरे आप इधर ए बैठ दे पंडित जी को। चलो करो। हाँ हम करेंगे फील्डिंग। हाँ पंडित जी, बहुत बढ़िया। पंडित जी ले लीजिए आपको चश्मो, दूर दृष्टि के लिए। ये उम्मीद ना थी आपसे, ऐसी घटिया हरकत की है पंडित जी आपने। हमारो छोरा मुसीबत में डाल दियो, उसकी माँ हॉस्पिटल में पड़ी है, हार्ट अटैक आया हुआ है उसे। छी 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 छी, आ तो बड़ो काज अपने को लेन की करे लज्जा कर लो ना अपनार। एक दो टका दी नहीं, 25 लाख टका दी छी, कोथाय अमर टका फेरत दी। और मेरे पंखुड़ी का क्या होगा? मंडे टू सैटरडे कर दिया ये बोल के मेरा पैसा चाहिए। हाँ यार पंडित, तेरे भी हद कर, एक बार तो हमसे बोलियो तू यार। एक से एक गुंडा पड़े, हम यहाँ रोबो उठ पा लेते, समझे कि नहीं? ऐसी कौन सी वजह थी पापा जिसकी वजह से हमारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई? वजह यह है कि तेरा भाई सचमुच का कलेक्टर बन गया। वजह यह है कि मैं भी एक लड़की का बाप हूं। वजह यह है कि मैं भी एक इंसान हूं। गलती सबसे होती है, गलती से भी हो गई। सुधार रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं राधा। बोला कि तू भी साथ नहीं देगा। हम तेरे साथ हैं यार, हम तेरे साथ हैं। विधायक विधायक से पंगा लेना अपने बस की बात नहीं है पंडित जी, समझ रहे हैं आप? हाँ। तो आप एक काम करो, विधायक की भतीजी से अपने बेटे की शादी कर दो। यहां विधायक की भतीजी में और रोबो की मुंडी में मेरे बेटे को कोई दिलचस्पी ही नहीं ना। क्या है कि चाहता तो मैं भी था कि मेरा भी दामाद कलेक्टर हो, पर पंडित जी संविधान बदल गए। क्या बदला है? आप सरकारी नौकरी करते हैं, बनवारी भी सरकारी हो जाएगा, बहुत काम आएगा आपके। हाँ
बेटी लेके आओ, ये लो निमंत्रण, अलग किसी पर रख लो। आप जो पंडित जी, पंडित जी हो मान वाले। राधे राधे। जब तक है तब तक धन की जरूरत। धन जो है धन तब तक काम देता है जब तक तन है। बहुत सुंदर है, प्यारा कलर है। धन जो है तुम्हें तो माल देना चाहिए बस। तुम चालू रहते हो। पंडित जी, पुलिस वाले आ गए। अरे ओम शिवाय नमः। ओम महात्मा। अरे आइए आइए आइए, जल्दी बैठो। ओम ब्राह्मण देवता। अरे पंडित जी, सब चकाचक। ओम सर्व देव नमः। सब सेट है। राधे राधे। राधा को बुला लो। राधा, अरे बिटिया राधा। राधा यह है दादा, दादा ये राधा, और यह दीदी, इनको ले आके निभाओ अपना वादा। ए मन्नू, जूस ले आओ दरोगा जी के लिए। तो आपके फादर जो हैं पुलिस में हैं? हाँ राइट जी। थोड़ा सा इधर से। ये चूड़िया कैसी है? पंखुड़ी। हाँ प्रिया। विधायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आई जा जा। बच्चे राधा बतिया, इन्हें लेके जाओ अपना वादा पूरा करो, जाओ। अरे ये है भाभी जी। नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए। हमारी है, हमारी घर वाली। आओ पंखुड़ी। वरवधु को बुलाइए, हमरों का समय हो चुका है। बुलाइए वरवधु को। हाँ। अरे प्रिया। अरे सुमन। ए मुन्नी। प्रिया भाई। पंखुड़ी। तैयार होने की जरूरत ना है, जल्दी आ जाओ। पंखुड़ी दादा तेरी कौन? आ जाओ। देखिए। अरे कितनी अच्छी जोड़ी है ना? ओम श्री अग्निदेव विष्णु नारायणाय नमः। विराजी। चाल चली है हमारे साथ ना, कोई चाल ना। धोखा दिया है इसने। कोई धोखा ना, जय धोखा। तेरी बेटी और ये मेरी बेटी। तो ये किसकी बेटी? और जय मेरी बेटी। उठाओ उठाओ घूंघट उठाओ। तो कलेक्टर कहाँ गए? वो यहीं गए होंगे। ये रहे रौबदार जी कलेक्टर। जरा साइड हटेंगे थोड़ा। हमने अपनी बेटी की ब्याह की है। हाँ। और बेटे का बाद में होगी ना, सोचेंगे जी। रौबदार कहाँ? कहाँ? जेल में। जय
पंडित हमें न्योता दियो है, पढ़ के सुनाते हैं। सुनो, मैं गिरधारी लाल शर्मा, पुत्र बंसी लाल शर्मा, ये कबूल करता हूँ कि मैंने अपने निजी फायदे के लिए अपने बेटे बनवारी लाल शर्मा का रौबदार के हाथों किडनैप करवाया। जय पंडित लिख दियो है। ये पंडित तूने लिखो है? अपने हाथों से। बिंदु बिंदु साइन होने पन्ना बैठो। जय यादव। यस सर। जय लगा हाथ कड़ी। ओके सर। पंडित। कलेक्टर साहब, यहाँ आइए जरा। आइए आइए ना, यहाँ आइए। फोटो खींचो जी, और कल सारे न्यूज में भेजो। कलेक्टर साहब मिल गए। हो गया सर। चलो आप, और इसको जेल में भेजो, इसकी वही जगह है। तूने सही कही थी पंडित, घूंघट में चेहरा ना दिख दो। पापा, ठाकुर जी का ध्यान कौन रखेगा? ठीक किस सारे के चक्कर में क्या कर बैठे पापा आप? बाबूजी, आपने कहा था अपराधा को सेटल करेंगे, आपने कर दिया। आपने जो जो कहा मैंने वो किया। अब आप चले जाएंगे, मेरे लिए क्या बाबूजी? आपने पूछा भी नहीं कि हमें किससे शादी करनी है। बाप हूँ तुम्हारा बाप। आओ। ये सेवा करेगी ठाकुर जी की। मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा तुम्हारी शादी में। नहीं बाबूजी। चलो। ओ ऑफिसर, पंडित जी सुरक्षित तो थक बिन तो जेल है। 986। नहीं नहीं, नंबर नहीं मांग रही हूँ, वो सिर्फ रहेंगे ना जेल में। हाँ रख बरख बरख, डोंट वरी। महाराज, हाँ इन्हें अंडा सेल में मत रखिए, कमजोर है, चटक जाएंगे। ना ना चिंता मत कर। एक मिनट पंडित जी। मुन्नी देख बेटा, जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, ये उतार है। क्या है तेरा वो बॉयफ्रेंड? उसी लुच्चे से शादी कर लियो। पर डैडी जी, मेरे फोन का भी बिल जमा नहीं है, और आप चले जाओगे तो मैं उसे कांटेक्ट भी नहीं कर पाऊंगी। ओहो, रो मत, घबरो। राधे राधे। मुन्नी बिटिया के जिंदगी भर के बिल एक साथ भर दियो। जी। भर दूंगा साहब। चलो। अबे काएगा? जेल का पानी मत पीना। ये रहा पानी की बोतल, बाबा जी ने मना करा था। दीदी को देखना ठीक से। यादव जी। चलो ध्यान रखना। चल बेटा। देख बाबा है, देख बाबा है। दुका, दुका। आपकी छाँव में हम तो बैठे मगर, क्या पता था उम्र यूं गुजर जाएगी। विभक्त कह रहा है भगवान से, भगवान का उपकार होगा। आप भी गाइए। आपकी छाँव में हम तो बैठे मगर, क्या पता कुछ अंदर बैठे हैं, कुछ बाहर बैठे हैं, कुछ अस्पताल में बैठे हैं, कुछ जहाज में बैठे हैं, ले दे के साथ बैठे हैं। तुम ऐसे में कहा है जेलर? अफसर साहब की जय। पाके बिहारी की जय। मेरे जवान के